बहुत स्पीड में बारिश आई है, बहुत तेज है। देखो वाइपर, अभी मनाली 250 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है और बारिश बहुत तेज आई हुई है। बीच में पीछे रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब दोबारा आगे फिर बारिश मिल गई है। करीबन करीबन रात के 2:30 से 3 बज गए हैं और हम चल रहे हैं आगे। बाकी बारिश होने के कारण मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया भाई। हम ये मोरा टोल प्लाजा पे आ गए हैं मनाली की तरफ। हम चंडीगढ़ से मनाली की तरफ कम से कम 70-80 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं और बहुत तेज़ बारिश चल रही है। देखो वाइपर कितनी स्पीड में चले हुए हैं। और ये जो मोरा गांव है ना, इससे 4-5 किलोमीटर पहले चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है भाई। देखो अब हम चल रहे हैं, यहाँ हल्की हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो ये मान के चलो अब पूरे रास्ते ऐसी चढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई ऐसी ऊपर की तरफ चढ़ते चलेंगे। और यहाँ पे बारिश का मौसम का कुछ पता नहीं है, पीछे बारिश आई हुई थी फिर 15-20 मिनट रुकी हुई मिली, फिर आगे फिर बारिश मिली, तो मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे और बारिश के कारण और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो हम अपनी मंजिल मनाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी रात के करीबन करीबन 3-3 के आसपास का टाइम हो गया है और साथ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं लेफ्ट साइड में। बाकी बारिश ज़बरदस्त आई हुई है नो भाई, बारिश ने जमा तोड़ पाड़ रखा है भाई। ये देखो दोस्तों पहाड़ों का नज़ारा, कितनी प्यारी ओस चढ़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर, मुझे तो बहुत मस्त लगी। देखो दोस्तों इस रोड पे जिस पे हम चल रहे हैं ना, आपको चारों तरफ ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे, क्योंकि इस रोड पे आगे चल के है ना एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें ये ट्रक जाते हैं। तो इस रोड पे लगभग 40 किलोमीटर के आसपास तक ये ट्रक हमारे साथ चले हैं और हम आपको दिखा रहे हैं हमारे चारों तरफ का जो मौसम है ना, आपको दिखा रहे हैं भाई। बारिश होने के कारण ना पहाड़ों के ऊपर से ओस उठनी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप कमेंट करके बताना आपको ये पहाड़ों के सीन और ओस कैसी लगी। हमें तो ये पहाड़ों के सीन और ओस बहुत अच्छे लगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, पहाड़ों में आने के बाद इंसान की लाइफ में कुछ चेंजिंग हो जाती है, थोड़ा मूड उनका मस्त हो जाता है और वो अपनी घरेलू लाइफ को थोड़ा छोड़ के और मस्त लाइफ में जीते हैं। और ये देखो ये नहर है यहाँ, और ये देखो भाई इस नहर के ऊपर ये फ्लाई ओवर बना हुआ है। और ये यहाँ के जो ये रोड बने हुए हैं ना आगे के, ये बिल्कुल मस्त रोड है भाई, बिल्कुल झटका भी नहीं लगता भाई थोड़ा बहुत भी। और आप पहाड़ों को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको पहाड़ देख के आपको भी अच्छा लगा होगा और बहुत मस्त सीन लग रहा है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ और आगे चलते जा रहे हैं और बारिश लगातार चली रही है, कभी तेज हो जाती है और कभी मंदी हो जाती है, लगातार बारिश चली रही है और उसके कारण है ना दोस्तों मौसम बहुत ठंडा हो गया है और बहुत प्यारा मौसम है। हम आगे बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। ये टनल आ गई है भाई, टनल नंबर 4। देखो टनल के अंदर आप ये देखो कितनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लाइटिंग वगैरह है, इनके अंदर स्पीड सिस्टम भी दे रहे, इसके अंदर दे रखा है कि टनल के अंदर जो आपको गाड़ी चलानी हो कितनी स्पीड में चलानी है। और हम टनल को क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सामने का नज़ारा देखो, आपको ये सामने का कैसा नज़ारा लगा आप कमेंट करके बताना। अब देखो दोस्तों जो रोड का लेफ्ट साइड है ना, वो पूरा का पूरा ब्लॉक है, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो गई है और पत्थर नीचे गिर गए हैं और जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना उस पर भी कुछ आए हुए हैं, इसके कारण यहाँ पे रोड वन वे हो जाता है। और आप देखो कितने सारे पत्थर बारिश के कारण टूट के नीचे गिर गए हैं और पूरा का पूरा लेफ्ट रोड है वो ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे इसके ट्रैफिक के रूट को डाइवर्ट करके सिंगल वे पे चला दिया गया है। और ये देखो दोस्तों आगे
नेक्स्ट टनल आ गई है, पीछे जो आई थी वो, ये 5 नंबर टनल आ गई है दोस्तों। अब हम मनाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो 5 नंबर टनल आई है अब उसके अंदर से हम क्रॉसिंग करेंगे। जैसे 4 नंबर टनल के अंदर सुविधाएं दे रखी थी ना, लाइटिंग वगैरह, और इनके ऊपर देखो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में अभी बोर्ड आया था एक, कि इसके अंदर 60 की स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं और इसके अंदर रोशनी प्रॉपर की गई है ताकि सामने वाली गाड़ी अच्छी तरह से पीछे वाली गाड़ी को दिख सके। और हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और अब इस टनल को क्रॉस करके हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे और आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। अब बारिश चल रही है साथ के साथ और बाहर का नज़ारा बारिश के दौरान कैसा है, और यहाँ के मौसम में ना दोस्तों ठंड के, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। और आप देखो अभी शीशे के ऊपर नज़र आ रहा है कि बारिश लगातार चल रही है और वाइपर की स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी तरफ से चले हुए देखो, यहाँ भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। देखो देखो कितना बड़ा पत्थर आ रहा है, पंकज पत्थर उठा के लाऊं तेरे खतरे हो। टीवी भी गिरन ला रहे ऊपर से। देखो दोस्तों अब हम सुंदरनगर में पहुंच गए हैं। बारिश के कारण ये जो साथ में नहर चल रही है ना, इसके अंदर देखो पानी कितना ज़्यादा तेज बहाव से बह रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बारिश लगातार चल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ से ना मंडी 23 किलोमीटर रह जाता है और हम मंडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपने चारों तरफ का नज़ारा भी दिखा देते हैं कि हमारे चारों तरफ का मौसम कैसा चल रहा है। बाकी बारिश के कारण मौसम में नमी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो भाई डैम है यहाँ पे, और यहाँ से जब हम क्रॉस हुए ना तो यहाँ से मनाली 86 किलोमीटर रह गया था, 86 किलोमीटर, और यहाँ पे मौसम साफ है, बारिश रुकी हुई है। अब देखो आप देखोगे तो मेरे राइट साइड में पहाड़ों को के ऊपर देखो कितनी बढ़िया हरियाली है और कितना प्यारा नज़ारा है। हम नेक्स्ट टनल में आ गए, टनल नंबर 13 है और आप देखो इसके अंदर दोनों तरफ लाइटिंग लगी हुई है, प्रॉपर रोशनी है। ये रोशनी इसलिए की गई है कि जो हमारे सामने जो व्हीकल चले वो हमें दिखाई दे और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए इसके अंदर पूरी सुविधा है, पूरी लाइटिंग दी गई है और यहाँ पे कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है वो भी लिखा गया है कि भाई आपको टनल के अंदर अगर गाड़ी चलानी है तो इस स्पीड में चलानी है। तो दोस्तों अब हम इस टनल को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम टनल से बाहर आ गए हैं और बारिश बिल्कुल रुकी हुई है और मौसम में नमी है, उसके कारण ठंड भी बनी हुई है। तो देखो दोस्तों हम मनाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखो चारों तरफ के पहाड़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये वाली जो टनल है ना, ये जवाहर टनल है, 3.5 किलोमीटर की टनल है ये। ये टनल कम से कम 2002 या 2003 के अंदर तैयार की गई थी आर्मी के रास्ते को छोटा करने के लिए, और इस 3.5 किलोमीटर की टनल से आर्मी का कम से कम 150 से 200 किलोमीटर एरिया कम हुआ था। तो ये टनल है ना दोस्तों, ये इसके अंदर से ना पानी हमेशा टपकता ही रहता है। इसके पे ना वैज्ञानिकों ने सर्च किया था भाई इस पानी को अगर रोका जाए तो कैसे रोका जाए, और सर्च होने के बाद ये आया था कि इस टनल के पानी को अगर रोक दिया गया ना तो टनल में दरार आ जाएगी, इसलिए इसका पानी ऐसे ही टपकता रहता है दोस्तों। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और इसके अंदर है ना अंधेरा और ओस बन जाती है, जिसके कारण सामने चल रही गाड़ी है ना प्रॉपर दिखाई नहीं देती। इसीलिए गवर्नमेंट ने है ना इस टनल के साथ में एक और टनल का निर्माण कर रहे हैं, जब वो टनल चालू हो जाएगी तो ये टनल बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर रोशनी इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है और इसके अंदर ओस होने के कारण और धुआं होने के कारण है ना सामने का व्हीकल दिखाई नहीं देता। बाकी ये जवाहर टनल आर्मी के लिए बहुत स्पेशल टनल थी जिससे उनका रास्ता छोटा हो जाता था। अब हमने जवाहर टनल को क्रॉस कर दिया है दोस्तों। अब हम कुल्लू के अंदर आ गए हैं और वहाँ पर आप देखो राफ्टिंग, कितनी प्यारी राफ्टिंग चल रही है। मेरा दोस्त पंकज है ना वो हमारी बुकिंग करने के लिए गया है और हम यहाँ खड़े होकर अपने ही जैसे यार दोस्तों की हम राफ्टिंग को देख रहे हैं। आप देखो
इसके अंदर कितने तेज बहाव से पानी आया हुआ है और राफ्टिंग करने वालों को कैसे उछाल रहा है। आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत तेज स्पीड से पानी आया हुआ है और रैपिड देखो कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड उठ रहे हैं पानी के अंदर, और जिसके कारण रैपिड राफ्टिंग करने वालों को ऊपर नीचे ये उछाल रही है। ये देखो पीछे से जो आए हैं ना, आप इन्हें ध्यान से देखो, देखो कितना तेज़ बहाव है और इस बहाव के साथ राफ्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बारिश के कारण है ना, इन नहरों का जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे स्पीड भी बढ़ गई है, और स्पीड बढ़ने के कारण पानी के अंदर रैपिड बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा रैपिड के झटके लग रहे हैं। आपने देखा है, देखो ये वाली आ गई, देखो ध्यान से देखना आप इसको, ये आगे की तरफ जा रही है और आगे पानी के कारण रैपिड के कारण ये देखो वो पीछे से खड़ी हो गई है एकदम गिरी। दोस्तों पानी में डूबना था, हमने जो बुकिंग की थी ना अभी मैसेज मिला है कि गवर्नमेंट ने पानी का जो बहाव बढ़ा है और मात्रा जो बढ़ गई उसके कारण गवर्नमेंट ने राफ्टिंग कराने वालों को मैसेज दिया है कि आप राफ्टिंग रोक दो, और राफ्टिंग बंद हो गई है। दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं राफ्टिंग बंद होने के कारण। कुंभकर्ण की तो ले लू ना, 6 महीना का फिर सो जाएगा। इसका मैं बैठने की। दोस्तों हम अब मनाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मनाली में लगभग हमने एंट्री कर ली है, 3 या 4 किलोमीटर के आसपास मनाली रह गया है, और वहाँ पे पहुँच के हम अपने होटल में थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद हम अडीबा टेंपल वगैरह और घटोत्कच का मंदिर है और जोगनी वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे हम, और हम अपनी मंजिल मनाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम मनाली पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये देखो, दोस्तों ये होटल था जिसमें हमने बुकिंग कर रखी थी, हम सब तैयार हो गए, नीचे आ गए होटल के। हेलो दोस्तों, ये मेरा दोस्त पंकज है। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, उसके बाद है ना मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा जिसमें आपको मैं अडीबा टेंपल, घटोत्कच मंदिर और जोगनी वाटरफॉल आपको दिखाऊंगा।